बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, मैं आपका होस्ट डॉक्टर हसन महमूद चिश्ती। आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल पॉलिटिकल डॉक्टर। इन दिनों अगर आप गौर कर रहे हो अपने इर्द गिर्द, अपने मुल्क पाकिस्तान में ही, तो आपको महसूस होगा कि हर दूसरे शहर में कुरान पाक की बेहरमती की जा रही है और रोज़ाना की बुनियाद पर यह काम शुरू हो चुके हैं। अब ये कौन कर रहा है? कभी नामूसे रसालत पर हमला हो रहा है, कभी ख़त्म नबूवत पर कोई डाका डाला जा रहा है। फैसलाबाद की वो जो मलूना थी, वो जो पूरी फैमिली इसमें शामिल थी, फिर पांच जगह पर कुरान पाक की बेहरमती हुई, नामूसे रसालत पर हमला हुआ, उसके बाद मुस्तकिल से ये काम शुरू हो चुके हैं। ये आप ये पिछले अगर 3 से 4-5 माह की रूटीन चेक कर लें तो आपको ये नज़र आना शुरू होगा कि इन क्राइम, ये जो क्राइम रेट्स हैं इनमें इजाफा हुआ है। और फिर फैसलाबाद में जड़ावाला में मुकम्मल एक पूरा मुनज़्ज़म और बहुत बड़ा सानिया इस पर गुजर गया। उसके बाद अगर आप फिर गौर करना शुरू करें, अब बहावलपुर में परसों एक मलूना ने कुरान पाक की बेहरमती कर दी। ये मामला बड़ी स्पीड अप होना शुरू हुए। ये मामला होना की शुरू हुए, इसके जो पीछे वजह है वो हम आपको अभी बताते हैं कि जनाब पूरे पाकिस्तान में तहरीक लबैक पाकिस्तान ने, TLP ने एक मुहिम स्टार्ट की आइन और कानून की पासदारी के लिए। कोशिश शुरू की कि आइन हमें कहता है कि कादियानी अपनी इबादतगाह नहीं बना सकते, कादियानी जो भी शायर इस्लाम है उनको इख्तियार नहीं कर सकते, वो अकलियत है। 1973-74 का आइन हमें यह बताता है, जिस पर इंप्लीमेंट करवाया गया। TLP पूरे तरीके के साथ थ्रू प्रॉपर चैनल, थ्रू प्रॉपर लॉ, वो जाते हैं, जाकर दरख्वास्त देते हैं DC साहब को, AC साहब को, SHO मुकामी, DSP मुकामी, उनके पास उनकी बॉडी जाती है कि ये एक कादियानियों की जो उन्होंने अपनी तरफ से जो गलाजत खाना वहाँ पे बनाया हुआ है, इसको आपने जाके, यहाँ पे उन्होंने मीनार बनाए हुए हैं, इसको पूरी मस्जिद बनाई हुई है, यहाँ पे वो तबलीग कर रहे हैं, जबकि इनमें से वो कोई काम भी नहीं कर सकते, तो इनको फौरी तौर पर मुनहदम किया जाए, ख़त्म किया जाए, और जो बाकी ये कमरा नुमा बना के जो अपना कर सकते हैं, बैठना चाहते हैं और उसमें वो जो गलाजत बकनी है वो बक सकते हैं, तो कोई हमें कोई मसला नहीं है, लेकिन जो काम आइन इन्हें मना करता है वो ये नहीं कर सकते। जिस दिन से इनके 6-7-8 ये जो मामलात हुए और इनकी जो वो गलाजत खाने थे, उनके मीनार जो इन्होंने मुसलमानों को धोखा देने के लिए बनाए हुए थे, वो गिराए गए, उसके बाद पूरे पाकिस्तान में कभी किसी जगह पे कुरान पाक की बेहरमती, कभी किसी जगह पर नामूसे रसालत पर हमला, कभी किसी जगह पर खत्म नबूवत पर डाका, तो ये सारी चीज़ें होना शुरू हो गई जो इस तरफ इशारा कर रही हैं कि इन तमाम शरारतों के पीछे ये कादियानी लॉबी खड़ी है, ये कादियानी खड़े हैं जो फंड लेकर इस मुल्क में इंतशार फैलाना चाहते हैं। और इसके पीछे कुछ करता धरता भी मौजूद हैं जो मुल्क पाकिस्तान में तहरीक लबैक को कलदम करवाने की ख्वाहिश रखते हैं कि जिससे कादियानियों पर जो इनकी 75-76 साल मेहनत थी पाकिस्तान के अंदर, जो अब डूब चुकी है, जो ख़त्म हो चुकी है, जो ये इन्होंने बड़े अरसे में एक नैरेटिव बिल्ड किया था, मौलवी का क्या काम सियासत से, उलमाए कराम का क्या काम सियासत से, और ख़त्म नबूवत का मसला लोगों के जहन से आहिस्ता भुलाया गया, वो इनकी अरबों खरबों डॉलर की जो इंडस्ट्री थी वो बाबा जी खादम हुसैन रिज़वी रहमतुल्लाह ताला अलैह ने बिल्कुल ज़मीन बोस कर दी। अब इनको इतनी ज़्यादा तकलीफ़ है, अब इनको समझ नहीं आ रही कि ये किस तरह वो काम डालें, तो इन्होंने ऐसा किया कि तहरीक लबैक जो है वो कभी भी इस बारे पर कोऑपरेटिव नहीं होती कि कुरान पाक को नाउज़बिल्ला बेहरमती की जाए, हमारे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान मुबारक में कोई कमी की जाए, या फिर किसी भी नबी की शान में कोई कमी की जाए, तो और या फिर किसी की इबादतगाह को जला दिया जाए, जो जैसे कि ईसाई इबादतगाह को जला दिया गया। तो इन्होंने ऐसी साजिशें करना शुरू की कि तहरीक लबैक इश्तियाल में आकर, या तहरीक लबैक के लोग इश्तियाल में आकर कुछ ऐसा काम करें कि जिससे इन पर एक पूरी दुनिया की नज़रें आ जाएं, और फिर इनको कलिदम करने के लिए हम UNO में बैठकर अपनी भड़ास निकालें और वो
प्रेशराइज करें हमारी गवर्नमेंट को, जिसमें हमारी गवर्नमेंट के लोग भी शामिल हैं, क्योंकि उनका वोट बैंक अब लाखों की तादाद में टूट रहा है और वो भी यही चाहते हैं कि तहरीक लबैक को किसी तरीके से बैकवर्ड पे करना चाहिए, और ये कादियानी लॉबी भी यही चाह रही है। तो इसका जो दोनों का बराबर नतीजा यही निकलता है कि इनकी ख्वाहिश तहरीक लबैक को ग्राउंड से ख़त्म करना है, माइनस तहरीक लबैक करके ये अपनी, और इससे ये साबित हो चुका है कि ये कादियानी कितने बड़े गलीज और मुर्तद काफिर हैं कि ये कुरान पाक को अपने नापाक अजायम के लिए बेहरमती करने से बाज नहीं आते। ये नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो नमूस है उस पर हमला करने से बाज नहीं आते। ये किसी भी सूरत ये काफिरों से बदतरीन काफिर हैं, और ये पाकिस्तान में हमारी तमाम इदारों से अपील है, जिसके लिए हम इंशाल्लाह अब पुरअज़म होकर निकलेंगे, और इनको इनके आईडी कार्ड के खाने में अब कादियानी लिखवाएंगे कि हमें पता चलना चाहिए जो सामने बैठा शख्स अगर वो मलून कादियानी है और वो नापाक अजायम रखता है, तो हमें बर वक्त पता होना चाहिए कि उस वो जो सामने हमारे शख्स बैठा है ये कादियानी है। जैसे तमाम मजाहिब का आगे लिखा होता है कि ये ईसाई है ये हिंदू है, इसका भी लिखा होना हमें ज़रूरी चाहिए कि ये ईसाई है ये हिंदू है या ये फिर ये सबसे बदतरीन काफिर है ये कादियानी है। तो हम ये अब इदारों के पास और तमाम अपने कानून के पास जाएंगे, और तहरीक लबैक पाकिस्तान के तमाम कारकुनान और कायदीन और हमारे भाइयों से हम दरख्वास्त करते हैं कि कानून को हमने हाथ में नहीं लेना, हमने इसका कानूनी वे अख्तियार करना है, और इन लोगों की जो ये साजिशें हैं इसका किला कमा करना है इस मुल्क पाकिस्तान में, और मुल्क पाकिस्तान को इनकी साजिशों से पाक करना है हमने। पाकिस्तान जिंदाबाद।